हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। दो दिल टूटे, दो दिल स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने अनेकानेक भावपूर्ण और अर्थपूर्ण गीतों को अपनी आवाज देकर अमर बना दिया है। लता मंगेशकर बहुत हल्के, अश्लील और सतही गानों को गाने से बचती रही हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जब उन्होंने ऐसे फूहड़ और अश्लील गानों को गाने से इनकार कर दिया है और बाद में इन गानों को आशा भोसले या अन्य गायिकाओं से गवाया गया। पिया तू अब तो आजा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठा, पर्दा जो उठ गया। लेकिन इसके बावजूद लता मंगेशकर ने ऐसे गाने भी गाए हैं या उनसे ऐसे गाने गवा लिए गए जिनको फूहड़, सस्ते या अश्लील बताकर सेंसर कर दिया गया या जिन पर खूब विवाद हुआ। पंडित जी मेरे मरने के बाद, पंडित जी मेरे मरने। मिसाल के तौर पर फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई के गाने शीशा ए दिल इतना ना उछालो को अश्लील किस्म का गाना मानकर आकाशवाणी से इसके प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया था। शीशे दिल इतना ना उछालो, ये कहीं टूट जाएगा, ये कहीं फूट जाएगा। सन 1964 में आई शोमैन राज कपूर की फिल्म संगम के एक गाने को भी लता मंगेशकर ने अनजाने में रिकॉर्ड कर दिया और जब उन्होंने इस गाने के पिक्चराइजेशन को देखा तो उनको ये गाना गाना जिंदगी भर के लिए अफसोस का कारण बन गया। ये गाना था मैं का करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। लता मंगेशकर ने जब ये गाना रिकॉर्ड किया तब उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी आवाज में रिकॉर्ड होने के बाद ये गीत फिल्म की हीरोइन वैजयंती माला के ऊपर फिल्म आने के बाद जब फिल्मी पर्दे पर आएगा तो ये गाना उनके लिए जिंदगी भर का नासूर बन जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति लता मंगेशकर के गाए एक वैसे लोकप्रिय गाने के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसको लेकर फिल्म के प्रोड्यूसर ने ही संगीतकार पर केस कर दिया था। कौन सा है वो गाना और उस गाने को लेकर प्रोड्यूसर को क्या आपत्ति थी, कैसे उस गाने को लता मंगेशकर से रिकॉर्ड करवाया गया और कैसे विवाद और हंगामे के बीच उस गाने को फिल्म में रखा गया, इस वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, भारत की गौरव माने जाने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर अपने गानों को लेकर बहुत ही सिलेक्टिव रहा करती थीं। वे इस बात का ध्यान रखती थीं कि उनके गानों में किसी भी तरह का हल्कापन या अश्लीलता ना हो। चुन चुन कर गीतों को गाने वाली लता सेंशुअल गानों को लेकर भी काफ़ी सतर्क रहा करती थीं। लता मंगेशकर के गाए एक गाने को लेकर प्रोड्यूसर और संगीतकार के बीच ही मुकदमेबाजी हो गई और प्रोड्यूसर ने उस गाने को चीप बताकर संगीतकार पर केस कर दिया। दोस्तों, ये गाना 1953 में फिल्मिस्तान प्रोडक्शन के बैनर तले रिलीज हुई फिल्म अनारकली का है जिसका निर्देशन नंदलाल जसवंत लाल ने किया। इस फिल्म में प्रदीप कुमार और बीना राय ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। इस फिल्म में मुबारक, कुलदीप कौर, सुलोचना, एस एल पुरी, मनमोहन कृष्णा, नूर जहां आदि अन्य कलाकार थे। जो किसी का
जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है चाहे थोड़ी। ये फिल्म अब तक की सबसे बड़ी म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है और इसके सभी गाने सर्वकालिक क्लासिकल बन गए। आजा तो आजा मेरी किस्मत के भरी जिंदगी उसी की है जो किसी का हो वफा का मजबूर दामन बिछाते। इस फिल्म में 11 गाने थे लेकिन इस फिल्म में लता मंगेशकर का एक गाना ऐसे है जिसे शराबी या नशीले गीत के तौर पर शुमार किया जाता है और इस गाने को फिल्म में नशे में झूलती बीना राय पर फिल्माया गया है। इस गाने को अपने समय से कहीं आगे का गाना बताया जाता है। इस गाने को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत सी रामचंद्र ने दिया था। ये गाना है मोहब्बत में ऐसे कदम जगमगाए। मोहब्बत में ऐसे कदम जगमगाए जमाना ये समझा के। लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने उस गाने का रिहर्सल किया और अगले दिन उस गाने को रिकॉर्ड किया जाना था लेकिन सी रामचंद्र संतुष्ट नहीं थे। उनको गाने में कुछ मिसिंग लग रहा था। वो रिहर्सल कराकर घर चले गए। जब वो अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो उनको हिचकी आई और उनके दिमाग में विचार आया कि नायिका को नशे में दिखाने के लिए हिचकी का प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह से उन्होंने इस गाने में हिचकी का प्रयोग किया ताकि ऐसा लगे कि गायिका नशे में गा रही है। जमाना ये समझा के हम पीके आए, पीके। ये गाना खूब लोकप्रिय हुआ और आज भी ये गाना लोकप्रिय है लेकिन फिल्मिस्तान के मालिक शशधर मुखर्जी को ये गाना बहुत ही चीप किस्म का लगा। उन्होंने इस गाने को लेकर सी रामचंद्र पर केस कर दिया। उन्होंने केस तो कर दिया लेकिन फिल्म की हीरोइन बीना रॉय को कहीं बाहर जाना था और वैसे में मजबूरी में उसी गाने पर बीना रॉय से शूटिंग करा ली गई और बाद में उसी गाने को फिल्म में रखा गया। वैसे तो लता मंगेशकर के गाए और भी गानों को अश्लील करार दिया गया था। इनमें से कुछ गानों के बारे में इस चैनल पर अलग से चर्चा की गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जिस गाने के बारे में बात की गई उस गाने को आप किस तरह का गाना मानते हैं? ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। जमाना ये समझा के हम पी के आए।